आपको ये एहसास बख्शा है कि आज फैसल टाउन इस वक्त लैंड बैंक बन चुका है। और आप इंशाल्लाह देखेंगे जिस तरह फैसल हिल्स ने बहुत थोड़े वक्त के अंदर वहाँ पे ना सिर्फ वो डेवलप हुआ बल्कि पूरी हिंदी आबाद है। हमने भी वहाँ पे सैकड़ों घर शुरू कर रखे हैं और वहाँ पे मेजॉरिटी जर्मन लोगों की है जिन्होंने खुद शिफ्ट होना है वहाँ पे 5 मरले के घरों में। और मैं 23 सालों से चोई साहब के साथ काम कर रहा हूँ और अलहमदुलिल्लाह हमने चोई साहब से जो सुना वो अपने क्लाइंट को कन्वे किया और जो क्लाइंट को कन्वे किया वो चोई साहब ने डिलीवर किया। मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा ऑफिस चोई साहब के लिए हमेशा दुआगोए हैं। आपको पता है हमने जिंदगी में जो भी काम करते हैं अगर उस चीज का फायदा सबको नहीं होना तो ये तरक्की नहीं है। आज हम जिसको हवाई जमीन कहते हैं, जिसको बगैर कब्जे के जमीन कहते हैं, वो भी हम 12 से 13 लाख रुपए कनाल या 11 लाख से 13 लाख रुपए कनाल जमीन खरीद रहे हैं। ये मैं मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ। और जो कब्जे वाली जमीन है वो हम 14 लाख से लेकर 16 लाख मिनिमम में आपको प्राइस बता रहा हूँ जिसके ऊपर हम जमीन खरीद रहे हैं। हमने सिर्फ पैसा नहीं दिया, जमीन की प्राइस भी बढ़ाई। हमने लोगों को प्राइस बढ़ाने के साथ नगद पेमेंट दिया। जिसका 6 अरब बना है उसको 1 दिन में 6 अरब मिला है, जिसका 3 अरब मिला है उसका 1 दिन में 3 अरब दिया है, जिसका 9 अरब बना है उसको 1 दिन में 9 अरब दिया, जिसका 1 करोड़ बना है उसको 1 दिन में 1 करोड़ दिया। जिस इलाके में लोगों ने नहीं देखा था, ये ट्रेंड नहीं उन्होंने कभी देखा था कि नगद पैसा भी कोई हो सकता है या लोग दे सकते हैं। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो उसमें 80% जो मशीनरी और जो लेबर है वो लोकल इस्तेमाल करेंगे, इन लोगों की करेंगे, ताकि इन लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम हो। कि हमने साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद इधर अपने बच्चों को घर बनाना है, उनके लिए इससे बेहतर मौका नहीं आएगा, ना लैंड की एफिलिएशन के अगेंस्ट आएगा, ना पैसों के अगेंस्ट आएगा। ये चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। एक तरक्की है, उसने होना ही होना। 3 शहर होंगे इस वेसिनिटी में, एक इस्लामाबाद होगा, एक रावलपिंडी होगा और एक ये फैसल टाउन होगा। ये 3 शहरों के नाम है। ये जो प्लानिंग हो रही है ये एक शहर, इस शहर के एक हिस्से की हो रही है। वो तो एक जोन अगले 40 साल की आबादी को समा सकता है जो अभी इस प्लानिंग में शामिल ही नहीं हुआ। कि हम जब प्लानिंग करते हैं हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल को देख के नहीं करते, हम प्लानिंग कम अज कम 100 से 200 साल की करते हैं। कि साल, 2 साल 5 साल 100 साल 500 साल के बाद इस शहर का बिहेवियर क्या होगा। ये मैं बड़ी बात करने लगा, एयरपोर्ट के मेन एंट्री गेट से, मैं कुछ साइड की वाल से नहीं कह रहा, मेन एंट्रेंस गेट जो एयरपोर्ट है, जो पैसेंजर का गेट है, वहां से मैं आपको गाड़ी लाकर फैसल टाउन के आखिरी पॉइंट में 6 मिनट में पहुंचा के दिखाऊंगा। ये है इसकी कनेक्टिविटी और हम सब को अपने अपने कामयाब करें। बहुत शुक्रिया।